हेलो फ्रेंड्स, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। उनकी फिल्मों के नाम, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनकी अदाकारी, उनकी अनेक हीरोइनों के साथ अफेयर्स, एंग्री यंग मैन की छवि से आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं। और आज ढलती उम्र के बावजूद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। सार्वजनिक जीवन या पब्लिक लाइफ में लोग उन्हें एक विनम्र अभिनेता के रूप में जानते हैं, पर मैं आज अमिताभ बच्चन के जीवन के कुछ ऐसे काले राज बताऊंगा जिसे जानने के बाद आपको अमिताभ बच्चन जिसे ज़्यादा स्वार्थी और एहसान फरोश इंसान दूसरा नहीं दिखेगा। अमिताभ को अपने करियर के शुरुआती दिनों में काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ा था और कोई भी निर्माता निर्देशक इनकी भारी आवाज़ और लंबे कद के कारण काम देने को तैयार नहीं था। और इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया उस समय के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद जी ने। बात सन 1972 की है। उस समय महमूद फिल्म बॉम्बे टू गोवा बनाने पर काम कर रहे थे। इस फिल्म में महमूद ने अमिताभ बच्चन को लीड रोल ऑफर किया। ये अमिताभ के लिए पहली फिल्म थी जिसमें वे मुख्य भूमिका में थे। इससे पहले उन्हें कोई ठीक से जानता भी नहीं था और उन्हें साइड रोल ही मिल पाते थे। महमूद द्वारा बनाई गई बॉम्बे टू गोवा फिल्म से अमिताभ को एक नई पहचान मिली। इस फिल्म के शूटिंग के दौरान महमूद ने अमिताभ की कई मौक़ों पर बहुत ही मदद की। उन्होंने अमिताभ के आत्मविश्वास को बढ़ाने और डांसिंग स्किल को निखारने में अमिताभ बच्चन की बहुत मदद की। अगर यूं कहा जाए कि बॉम्बे टू गोवा फिल्म से अमिताभ के फिल्मी कैरियर को एक नई जिंदगी मिली तो ये गलत नहीं होगा। महमूद अमिताभ को अपने बेटे की तरह मानते थे और अमिताभ भी उन्हें अपना दूसरा पिता कहते थे। पर जब अमिताभ का फिल्मी कैरियर बुलंदियों पर पहुंचा तो वे बिल्कुल बदल गए। अब उनमें काफ़ी घमंड आ गया था। एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सफलता के नशे में चूर होकर महमूद के सारे एहसान भूल गए और संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए उनका दिल तोड़ दिया। एक इंटरव्यू में महमूद ने बताया कि बाद में जब अमिताभ सुपरस्टार बन गए और उनके पास निर्माता निर्देशकों की लंबी लाइन लगी रहती थी, उसी दौरान अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन गिर गए और घायल हो गए और महमूद साहब अमिताभ के पिताजी को देखने के लिए उनके घर भी गए थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद महमूद जी का मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ। इसी दौरान अमिताभ बच्चन अपने पिता हरिवंश राय बच्चन को लेकर किसी काम से उस हॉस्पिटल में गए थे, जहां पर कि मानवता के नाते और पुराने एहसानों के नाते उन्होंने महमूद जी से मुलाकात करना भी सही नहीं समझा। जब महमूद जी को ये बातें पता चली कि अमिताभ आए थे लेकिन उनसे मिले नहीं, तो ये जान करके उनका दिल टूट गया और ये बातें वो उन्होंने इंटरव्यू में कहा और वो बहुत ही भावुक हो गए थे। इस तरह अमिताभ बच्चन ने ये साबित कर दिया कि उन्होंने महमूद का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया था अपनी सफलता को पाने के लिए। बाद में वे महमूद के सारे एहसानों को भूल गए। जिस आदमी को सक्सेस मिले उसके दो बाप हो जाते हैं, एक बाप वो जो पैदा करता है और एक बाप वो जो पैसा कमाना सिखाता है। तो पैदा करने वाला बाप तो बच्चन साहब है ही और मैं एक बाप बैठा हूँ जिसने कमाना सिखाया, अपने साथ में रख के, घर में रख के पिक्चरें दिलाई, पिक्चरों में काम दिया। बहुत इज्जत करता है अमित मेरे, बैठा होगा पीछे से मेरी आवाज़ सुनेगा खड़ा हो जाएगा। लेकिन आखिरी में मुझे इतना फील हुआ, जबकि मेरा बाईपास हुआ ओपन हार्ट सर्जरी, तो उसके एक दो हफ्ता पहले इनके फादर जो थे बच्चन साहब वो गिर गए थे, तो मैं उन्हें देखने के लिए अमित के घर गया। एक कट सी कि मालूम हुआ कि कोई गिर गए, ज़ईफ आदमी है। और उसके एक हफ्ते बाद में मेरा बाईपास हुआ तो अमित अपने वालिद को लेके वहाँ आए ब्रिज कैली जहाँ मेरा बाईपास हुआ था। लेकिन अमित ने वहाँ ये दिखा दिया कि असली बाप असली होता है और नकली बाप नकली होता है। पैसा सिखाने वाला बाप क्या है, जो कि बाप जिसने पैदा किया है। उसने आके मुझे हॉस्पिटल में विश भी नहीं किया, मुझसे मिलने भी नहीं आया, एक गेट वेल सून का कार्ड भी नहीं भेजा, एक छोटा सा फूल भी नहीं भेजा, ये जानते हुए कि भाईजान भी इसी हॉस्पिटल में है। तो मेरे साथ में तो कर लिया, मैं बाप ही हूँ उसका, मैंने माफ कर दिया और कोई बदवा नहीं दी। आई होप दूसरों के साथ ऐसा ना करें।
इसके कई सालों के बाद अमिताभ बच्चन के पास महमूद के बेटे लकी अली ने भी अपने गानों को रिलीज करवाने के लिए अमिताभ से उनकी कंपनी ABCL की मदद मांगी, पर अमिताभ बच्चन ने लकी अली के संगीत के कैरियर को उठाने के लिए कुछ भी नहीं किया, जबकि वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। अमिताभ के इस रवैये से खिन और निराश होकर लकी अली दूसरी म्यूजिक कंपनी की मदद से अपने गाने लॉन्च किए, जो कि सुपर डुपर हिट रहे। अमिताभ बच्चन सिर्फ एहसान फरोश और मतलबी इंसान ही नहीं हैं, बल्कि वे बहुत ही निचले स्तर के इस शैलू इंसान भी हैं। वो कहते हैं ना कि हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, तो अमिताभ का ये दूसरा चेहरा बहुत ही भयावह है। अमिताभ बच्चन अपने समय के उन समकालीन अभिनेताओं से बहुत ही डरते थे जो अभिनय और डायलॉग डिलीवरी में माहिर थे। इन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहुंच और रसूख के बल पर कई अभिनेताओं का कैरियर बर्बाद कर दिया और उनके फिल्में भी छीन लीं। इनमें से जो अभिनेता इनसे प्रताड़ित थे, उनमें से राज बब्बर, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा इत्यादि शामिल हैं। हम सबके महानायक अमिताभ बच्चन अब इतने मतलबी और संवेदनहीन हो गए हैं कि इन्होंने अभिनेता कादर खान को भी नहीं छोड़ा। एक समय में अमिताभ बच्चन और कादर खान दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने एक साथ में कई फिल्में भी की थीं। इतना ही नहीं, कादर खान ने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के लिए बेहतरीन डायलॉग भी लिखे, जिससे अमिताभ के करियर को और भी ज़्यादा बुलंदी हासिल हुई। पर अपने कैरियर के बुलंदी पर पहुंच जाने के बाद अमिताभ बच्चन ने कादर खान के साथ क्या किया, ये आप कादर खान की जुबानी उन्हीं से सुनिए। अमित बोलता था उनको, अमित अमित। तो किसी ने मुझसे आके कहा, एक प्रोड्यूसर ने, कि आप सर जी को मिला साउथ का। मेरा कौन सर जी है? आपको सर जी नहीं मालूम? That tall man, अमित जी आ रहे थे वहां से। मैंने कहा, यार वो तो अमित है, सर जी कब से हो गया? हाँ, वी कॉल हिम सर जी, और सबने सर जी बोलना शुरू कर दिया था, तो मेरे मुंह से निकला नहीं सर जी। तो सर जी का ना निकलना, मैं निकल गया उस ग्रुप में से। ये एक ऐसी बात है जो कि क्या किसी कोई आदमी अपने दोस्त को, अपने भाई को किसी और नाम से पुकार सकता है? नामुमकिन बात है। मैं नहीं कर सका वो, इसीलिए शायद फिर मेरा उनसे वो रब्ता नहीं रहा, जो इसीलिए खुदा गवाह में मैं नहीं था। फिर गंगा जमुना सरस्वती मैंने आधी लिखी, आधी छोड़ दी। इस तरह अमिताभ बच्चन जी ने फिल्म इंडस्ट्री के अनगिनत लोगों का भावनात्मक शोषण किया और खुद की नज़रों में नीचा दिखाया, और तो और बहुतों से उनकी फिल्में भी छीन ली। वो भी सिर्फ इसलिए कि अमिताभ जी के मन में हमेशा से ही अच्छे अभिनय करने वाले अभिनेताओं के प्रति दुर्भावना और ईर्ष्या की भावना रहती थी। वे अपने को हमेशा असुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें हमेशा ये डर सताता था कि कहीं और प्रतिभाशाली एक्टर उनके सुपरस्टार का स्टेटस न छीन लें, और वे अपने इसी घटिया सोच के चलते इतना गिरा हुआ इंसान बन गए, और ना जाने कितने लोगों का इन्होंने कैरियर बर्बाद कर दिया। फ्रेंड्स, एक कहा तो आपने जरूर सुना होगा कि किसी का घमंड ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, क्योंकि घमंड तो रावण का भी टूटा था, तो एक न एक दिन अमिताभ बच्चन जी का भी जरूर टूटेगा। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन जी जब अपने साथ काम करने वाले अभिनेताओं के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो इनकी नज़र में हमारे और आप जैसे दर्शक तो कीड़े मकोड़े से ज़्यादा अहमियत बिल्कुल नहीं रखते होंगे। चूँकि अमिताभ जी ने अरबों रुपए की संपत्ति हमारे आपके जैसे दर्शकों से ही कमाए हुए हैं, इसीलिए वे पब्लिकली इतने अच्छे और विनम्र होने का नाटक करते हैं, ताकि उनकी कमाई का द्वार हमेशा खुला रहे। सब मिलाकर देखा जाए तो अमिताभ बच्चन जी वास्तविक जीवन में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों का फायदा उठा लेने के बाद पहचानने से इनकार कर देते हैं। इन्होंने अपने साथ काम करने वालों को उस बांस की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, जिसके सहारे ऊपर पहुंच जाने के बाद मतलबी लोग लात मारकर हमेशा के लिए नीचे गिरा देते हैं।
ऐसा ही एक मजबूत बांस की सीढ़ी रूपी शिकार उन्हें समाजवादी पार्टी के नेता अमर सिंह जी के रूप में मिला, जिनका अमिताभ बच्चन ने जमकर भावनात्मक शोषण किया। अमर सिंह एक बहुत सुलझी सोच वाले सहृदय यारों के यार थे और साथ में समाजवादी पार्टी में एक कद्दावर नेता की हैसियत रखते थे, और अमिताभ बच्चन से उनकी दोस्ती ऐसे समय में हुई जब अमिताभ की कंपनी ABCL 250 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही थी और अमिताभ दिवालिया हो गए थे। उनके दरवाजे पर दिन रात कर्ज वसूलने वालों की लाइन लगी रहती थी। जिस अमिताभ के इतने खराब समय में कोई साथ देने वाला नहीं था, उस अमिताभ के लिए अमर सिंह एक मसीहा बनकर आए और उन्होंने अमिताभ की समस्या को अपनी समस्या समझ राम भक्त हनुमान की तरह अमिताभ की सारी परेशानियों को हल करते गए। क्योंकि अपने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण अमर सिंह की पहुंच राजनीति से लेकर कॉरपोरेट जगत और बॉलीवुड हर जगह थी, इसलिए अमर सिंह ने अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए अमिताभ बच्चन को अपने कॉरपोरेट जगत के मित्रों से मिलवाया, जिसमें मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी और सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय के अलावा बहुत सारे लोग थे। ये सारे बिजनेसमैन अमर सिंह के कहने पर अमिताभ की आर्थिक मदद की। इस घटना के बाद अमिताभ बच्चन अमर सिंह के और करीब आ गए और उन्होंने अमर सिंह को सार्वजनिक रूप से अपना छोटा भाई माना। अमर सिंह के अथक प्रयासों से दिवालिया हो चुके अमिताभ बच्चन का फिल्मी करियर फिर से पटरी पर लौट आया और अमिताभ का पूरा परिवार उनके एहसानों तले दब गया और अमर सिंह की हैसियत अमिताभ जी के घर में एक परिवार के सदस्य की तरह हो गई। अब अमिताभ का परिवार हर मसले पर उनकी सलाह जरूर लेता था। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर अमिताभ बच्चन और अमर सिंह के संबंधों में दरार की नींव तब पड़ी जब उन्होंने अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन को समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। पहले तो अमिताभ बच्चन इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, पर बाद में वे अमर सिंह की बात मानकर जया बच्चन को इसकी इजाज़त दे दी और इस तरह जया बच्चन समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई, जिसका पूरा श्रेय अमर सिंह जी को जाता है। बाद में सन 2010 में मुलायम सिंह ने अमर सिंह को किसी कारणवश समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया। निष्कासित होने के बाद अमर सिंह ने स्वाभाविक रूप से जया बच्चन को पार्टी छोड़ने को कहा, पर स्वार्थी और गद्दार जया बच्चन ने अमर सिंह के सारे एहसानों से किनारा करते हुए बड़ी ही बेहयाई से समाजवादी पार्टी छोड़ने से साफ मना कर दिया। दरअसल जया बच्चन को पार्टी में बने रहने और अमर सिंह के खिलाफ करने के लिए राज्यसभा के सांसद का पद ऑफर दिया गया था, जिसके लालच में आकर जया बच्चन ने बहुत ही बेशर्मी के साथ उस अमर सिंह के साथ गद्दारी कर दी, जिसने उसके पति के करियर को एक नया जीवन देने में जी जान लगाकर मदद की थी। यानी जया बच्चन ने जिस थाल में खाया उसी थाल में छेद कर दिया। मेरा ऐसा मानना है कि जया ने अमर सिंह के साथ जो धोखा किया उसमें कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की भी सहमति जरूर रही होगी। अमिताभ सही मायने में अमर सिंह के दोस्त होते तो वे अपनी पत्नी जया को अमर सिंह का साथ देने को कह सकते थे, पर उन्होंने अपनी पत्नी के राज्यसभा की सीट के लालच के कारण अमर सिंह का साथ उस समय छोड़ दिया जब उन्हें अमिताभ के परिवार के समर्थन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बेचारे अमर सिंह को अमिताभ और जया से ऐसी गद्दारी की उम्मीद कतई नहीं थी। उन्हें इस बात से गहरा धक्का लगा। शायद अमर सिंह ये जानते हुए भी चूक गए कि धोखा देना अमिताभ जैसे मौका परस्त की पुरानी आदत है। इस घटना के बाद अमर सिंह और अमिताभ बच्चन की दोस्ती में दरार पड़ गई और अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन और उनके परिवार से नाता तोड़ लिया। पर अमिताभ और जया से धोखा खाए अमर सिंह घायल शेर की तरह हो गए थे और उन्होंने कई मौकों पर मीडिया के सामने आकर अमिताभ और उनके परिवार के बारे में अपने साथ हुए धोखे की बात की। तो लीजिए सुनिए अमर सिंह की जुबानी अमिताभ की कहानी। अमिताभ बच्चन ने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे, हमारा उनका लेन देन का संबंध नहीं रहा। हाँ, हमारे संकट और संक्रमण के समय में निस्तर से वो लोग हमारे साथ खड़े नहीं दिखाई दिए। इससे भावनात्मक रूप से आप समझिए मेरी मृत्यु हो गई, हत्या हो गई। ये मेरी भावना की आत्मा है जो आपके सामने बैठी है। मेरे व्यक्तित्व का पूरा अंदर और बाहर का प्रारूप और स्वरूप इतना बदला कि मेरे मुंह से निकल पड़ा कि मेरे बाद वफा का धोखा मत और किसी को देना, लोग करेंगे जिक्र तेरा तो सर मेरा झुक जाए। अमिताभ बच्चन का ये आप YouTube में उनकी कहानी शुरू हुई जब वो मुंबई आए, सड़कों पर सोते थे तो अपने घर में महबूब ने रखा ही नहीं, बल्कि पहली फिल्म बनाई बॉम्बे टू गोवा अरुणा ईरानी जी के साथ।
पहले निर्देशक थे एस रामानाथन, या एस रामानाथन अपनी जमानत फिल्म को पूरा करने के चक्कर में उनके बंगला का चक्कर काटते काटते मर नहीं गए, या महमूद का यूट्यूब अब भी जीवंत नहीं है जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अमिताभ तुमने मेरे साथ जो किया और किसी के साथ नहीं करना। महमूद के बाद फिर नाडियाडवाला, नाडियाडवाला के बाद अमजद खान, अमजद खान के बाद मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा, जादूगर और तूफान का झगड़ा, और उसके बाद उन दोनों व्यक्तियों के साथ कभी भी फिल्म में काम ना करने का। नहीं वो तो ठीक है, महानायक तो हम भी मानते हैं, मैं तो ये कहता हूँ इधर पर्दे के महानायक, जीवन के महानायक जो कि हर समय जो अभिनय करते हैं और वो इतना जीवंत होता है कि हमारे ऐसे व्यक्ति को भी ये समझने में 20 वर्ष लगते हैं, दो 20 वर्ष हमने उनके साथ काटे, यह एक प्रसन्न था, यह एक अभिनय था, यह एक स्वप्न था। यानी 20 साल तक आप उनके साथ रहे और 20 साल में जो कुछ हुआ वो नाटक था, प्रहसन था, वो सच्चाई नहीं थी। इसका मतलब यही निकला कि अमिताभ बच्चन जो कुछ करते हैं वो नाटक करते हैं, वो कभी किसी के नहीं हुए, ये आप ही कह रहे हैं। मुलायम सिंह यादव द्वारा प्रदत्त राजनीति और राज्यसभा का एक और 6 साल का सत्र, वो रिश्ते पर मेरे साथ उनके संबंध और स्नेह पर वह भारी पड़ा। जया बच्चन जी ने यहाँ पर मुलायम सिंह जी द्वारा मेरे निष्कासन की निंदा हो रही थी, उन्होंने मुलायम सिंह का समर्थन किया। गाजी बनारस तक जया बच्चन जी हमारे साथ थे, बनारस में उनका एक बयान आया कि परिवार और राजनीति में अगर चुनना होगा मैं परिवार के साथ। मेरे साथ उनके संबंध और स्नेह पर वह भारी पड़ा, और बच्चन परिवार के अन्य सदस्यों पर मेरे दो दशकों का संबंध भारी पड़ा। आप देखिए ये जीवन है, आप पेड़ को देखिए, वृक्ष को, उसमें वो आपको सूरज की गर्मी से बचाता है। पेड़ एक ऐसी वस्तु है, उसके नीचे आप जाएं तो वो आपको ऑक्सीजन देता है, कार्बन ऑक्साइड डाइऑक्साइड पेड़ को चाहिए, और ऑक्सीजन वो छोड़ता है शुद्ध, वो आप ग्रहण करते हैं फल। लेकिन कभी आपने देखा है प्यार से तोड़ते हुए? आपने देखा ऊंचा होता है फल, लोग पत्थर मारते हैं, फलदार के नसीब में पत्थरों की चोट। क्यों पूछ रहे हैं अमिताभ बच्चन की बात? वो भी लेने वाले थे, उन्होंने लिया, लेने के बाद चल दिए। तो जो भी लेने वाला होता है पाता हरदम दाता को मारता है। नहीं, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि सिर्फ आप ही उसके उनके शिकार नहीं रहे, महमूद जैसे लोग रहे, बॉलीवुड के महमूद। महमूद रोते हुए कहते थे कि इस व्यक्ति को मैंने बहुत मदद की। ये नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक ने जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक जैविक बाप, एक तुम्हारे करियर का बाप, और दूसरा जिसने तुम्हें हीरो बनाया। एस रामानाथन निर्देशक थे और फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, देखा ना है रे बस में गाना, सोचा ना है, वो पहली बड़ी फिल्म थी। और जब उनके सर पर छत नहीं थी, खुला आसमान था, तो अपने घर पर महमूद ने उनको रखा था। अमिताभ बच्चन दा अमिताभ बच्चन नहीं हुए थे। महमूद साहब बीमार थे, लीलावती में थे, वहाँ किसी और को देखने बगल के कमरे में गए, महमूद से मिलने नहीं गए। तो रोते हुए महमूद भाई ने कहा था कि अमिताभ जो तुमने मेरे साथ किया किसी और के साथ ना करना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन वो मेरे प्यारे परिचय। महमूद, अमजद खान, नाडियाडवाला, बड़ी लंबी सूची है, प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, गांधी परिवार, अमर सिंह, ऐसा कुछ सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। अभी उन्होंने धीरूभाई अंबानी के रिलायंस के स्थापना दिवस के 40वें वार्षिक समारोह में कहा कि धीरूभाई अंबानी मुझे सारा पैसा देना चाहते थे लेकिन मैंने लिया नहीं, और मेरे मुसीबत के वक्त यश चोपड़ा बहुत काम आया। सच तो यह है कि मोहब्बतें की शूटिंग के बाद आकर के हमारे कंधों पर रोते थे कि शाहरुख खान को ज़्यादा वरीयता मिलती है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। सच तो यह है कि यूनिटेक नाम की जो दागी संस्था आज है, 100 करोड़ रुपया उसने दिया था और आज तक उसे वापस नहीं मिला। सच तो यह है कि स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह केतन पारीख ने उन्हें 100 करोड़ रुपया दिया। सच तो यह है कि सहारा सिरी ने उन्हें 50 करोड़ दिया जो वापस हो गया, लेकिन एक कौड़ी उन्होंने अपनी जेब से वापस नहीं की। सदी के इस तथाकथित महानायक के हृदय में जरा भी स्पंदन और नैतिकता है तो समाज के उजरे लोगों का नाम लेकर के
उनकी सफेदी अपने मुंह पर पोतता है, चाहे वो यश चोपड़ा हो या धीरूभाई अंबानी हो। अभी अभी आपने अमर सिंह जी के मुंह से सुना जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अमिताभ ने ठगा नहीं। फ्रेंड्स, अब ये फैसला आप ही करिए कि जिस अमिताभ को पूरा देश इतना इज्जत और सम्मान देता है, क्या वो वाकई में इसके हकदार हैं? कमेंट में बताइएगा ज़रूर। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।